मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल, विदिशा और रायसेन समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर आगे बढ़ गया है, इस कारण मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक भारी बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ समेत कई जिलों में बिजली के साथ हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। भोपाल में सुबह से धूप छांव चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 इंच पानी गिरते ही सामान्य बारिश का कोटा भी फुल हो जाएगा। अब तक औसत 35.4 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की सीनियर वैज्ञानिक शिल्पा आपटे ने बताया है कि लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर आगे बढ़ गया है। मानसून ट्रफ गुना सिवनी से गुजर रही है। अगले 24 घंटे में सिस्टम कमजोर हो जाएगा। 8 सितंबर तक भारी बारिश नहीं होगी। बता दें, मध्य प्रदेश में जून, जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश दर्ज की गई। अब सितंबर भी जमकर बरस रहा है। इससे कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा पानी मंडला में 47.19 इंच गिर चुका है। सिवनी में 46 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश वाले टॉप 10 जिलों में मंडला के साथ सिवनी, छिंदवाड़ा, श्योपुर, डिंडोरी, सीधी, भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और सागर शामिल है। लास्ट 24 आवर्स का देखें तो पूरा मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। वेस्ट एमपी में हाईएस्ट रेनफॉल है 51 मिलीमीटर एट बैराड शिवपुरी, और ईस्ट एमपी में है 98.4 बीना सागर। और आगे देखा जाए तो अभी ये जो मानसून ट्रफ है वो सूरजनगर, रोहतक, ओराई, मंडला से होते हुए साउथ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के तरफ जा रहा है। तो उसके वजह से अभी मंडला से जा रहा है करके साउथ वेस्ट ऑफ भोपाल के जो जिले हैं उनमें बारिश ज़्यादा होने की संभावना है।